किया गया और यह देश भर के युवाओं को अनुशासन के लिए और एकता के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन होने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए इस फील्ड में आकर्षण का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि एनसीसी आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा बन सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मिशन मोड पर लेकर के हम लोगों ने यह निर्णय किया कि अधिक से अधिक युवाओं को हम एनसीसी के साथ जोड़ सके। एनसीसी एकेडमी के माध्यम से उन्हें अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पे एनसीसी महानिदेशालय ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव के अनुरूप जिला प्रशासन ने लैंड उपलब्ध करवाई और आप प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा विभाग ने धनराशि उपलब्ध करवा करके आज इसके शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पे जुड़ रहे हैं। वास्तव में अनुशासन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता और यह अनुशासन जीवन में आत्मानुशासन से पैदा होता है। जो आप डील करते हैं, जो आपका यह प्रशिक्षण होगा या आपको आत्मानुशासन के साथ बांधता है। आत्मानुशासन आपको जीवन भर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, एक ऐसा मार्ग देगा जो क्रमबद्ध तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव आपका मार्गदर्शन करेगा और उस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए इसकी एक नई पाठशाला के रूप में एनसीसी एकेडमी हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सदैव उनका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती रहेगी। तो जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए और अनुशासन का हमारे जीवन में वर्तमान में और भविष्य में क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी लेने का एक माध्यम होगा ये, वहीं एकता के बारे में सामाजिक एकता का क्या महत्व हो सकता है, इस सामाजिक एकता के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती बनाकर के राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस संगठन के माध्यम से एक नया अवसर मिलेगा जानने सीखने और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आपने यहां पर देखा होगा लगभग 10 एकड़ लैंड देने के साथ ही 55 करोड़ रुपए यहां पर इस एकेडमी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा, बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी होगा और साथ साथ प्लेग्राउंड भी होगा, शूटिंग रेंज भी होगा और भी अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं उन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर सिटी से एकदम सटा हुआ है, यानी गोरखपुर सिटी अब इससे भी आगे तक बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ जा चुकी है और यहां पर इस 4 लेन हाईवे से सटे हुए इतने अच्छे वातावरण में प्रशस्त लैंड आपको यहां पर प्राप्त हुई है। एनसीसी निदेशालय को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पे अपर महानिदेशक और ग्रुप, इस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं
यहां पे ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी ने, गोरखपुर ग्रुप कमांडर ने इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, ये दिखाता हमें कि हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो शासन अपने आप ही उस दिशा में आपको दो कदम आगे और बढ़कर के सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पहल किए जाने की आवश्यकता है और आपने पहल की तो उस पहल का परिणाम भी आपको सुखद रूप में यहां पर देखने को प्राप्त हुआ। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें, जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है, ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण देकर के एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो, ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है। और जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व तो है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे यह जानकर के और ये बताते प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए, अगर ये 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी? तो इस युवा आबादी के लिए, इस युवा कार्यशील पूंजी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है, वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वह स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं रख होता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिए, हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए और यहीं से ही हमारी अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देखते होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज आप देखते होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति, जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, उन इकाइयों की क्षमता को बढ़ा करके नई यूनिट बना करके डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसे आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है और आज दुनिया भारत की हार्ड पावर की भी और सॉफ्ट पावर की भी ताकत को महसूस कर रहा है। एक नया भारत है तो नए भारत के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में अपने इन हजारों युवा साथियों के लिए एनसीसी एकेडमी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच, ये 11 जनपद के कैडेट्स न केवल अपना प्रशिक्षण के बाद आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए इस एकेडमी का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि 11 जनपद हैं, इन 11 जनपदों में 4 जनपद ऐसे हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और अन्य इंडिकेटर में जो लोग जो जनपद पिछड़ गए थे आजादी के बाद, जिन्होंने अपेक्षित विकास नहीं किया, उनमें ये चार जनपद भी थे। इन्हें आकांक्षात्मक जनपद कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये चार जनपद हैं और मुझे प्रसन्नता है कि एनसीसी एकेडमी और यहां से निकले हुए जो प्रशिक्षित कैडेट्स होंगे, ये इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक विकसित जनपद के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज यह कार्यक्रम यहां प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि एनसीसी निदेशालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन, तीनों मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर इस एकेडमी के निर्माण के कार्य को हम पूरा करें, जिससे इसका लाभ यहां के छात्र छात्राएं ले सकें। दूसरा, हमारा प्रयास जरूर कुछ चीजों का होना चाहिए। जहां भी हमारी इस प्रकार की एकेडमी में, वहां पर एक तो पूरा हरा भरा वातावरण होना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी भीषण गर्मी में भी हो सकता है, कैंप्स लगते हैं तो उस समय गर्मी भी हो सकती है और उस दौरान शीतलहरी भी हो सकती है, हमें उसकी परवाह नहीं करना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की परवाह के बगैर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी एक अभियान के साथ अगर हमें जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी परवाह के बगैर हम सब अपने आप को समर्पण भाव के साथ उसके साथ जूझ पड़ेंगे। जहां यह भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम यह भी तय करें कि इस दौरान हम लोग काफी बनाते समय ही वृक्षारोपण और इस प्रकार के वृक्षों को वहां पर लगाएं जो यहां की वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को अच्छा और उत्तम वातावरण देने में सहभागी बन सके। एक एक काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी एकेडमी का जो क्षेत्र हो उसको प्लास्टिक फ्री करने के समय हमें कार्य करना होगा, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, वह प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार के सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है, सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित ड्रिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता, ये स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद हैं, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है, यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित ड्रिल के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए एक घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे, तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं एनसीसी निदेशालय को, इन 11 जनपदों के एनसीसी के सभी कैडेट्स को, एनसीसी के गोरखपुर ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से इस एनसीसी एकेडमी के लिए बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि एक समय सीमा के अंदर इसे बना करके हमारे इस 11 जनपद के एनसीसी के कैडेट्स इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।
आप सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे